खबर शिवपुरी शहर से आ रही है। यहाँ के पायोनियर प्रो आईटीआई की छात्रा हिंदी स्टर्नो के 7 छात्रों के साथ धोखाधड़ी की है। सन 2018-19 के प्रवेश छात्रों का हिंदी स्टेनोग्राफी पूरक परीक्षा का परिणाम अभी तक नहीं आया है। अपनी परेशानी को लेकर छात्र कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई और एक आवेदन के माध्यम से अपनी समस्या से अवगत कराया। छात्रों ने बताया कि उनकी पूरक परीक्षा 26 नवंबर 2020 को आयोजित कराई गई थी। लगभग 10 माह बीतने के बाद भी परिणाम नहीं आया, जबकि वो परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। परीक्षा का परिणाम 4 से 5 माह के अंदर आ जाता है। जब इस संबंध में संस्था से पूछताछ की तो बताया गया कि सभी उत्तर पुस्तिकाएं खो चुकी हैं। इसके बाद पायोनियर के संचालक के द्वारा पुनः आयोजित होने वाली स्टोनों की परीक्षा की जानकारी नहीं दी गई। संचालक के द्वारा धोखाधड़ी की गई है, अतः संस्था के संचालक के खिलाफ कार्रवाई कर हमारी परीक्षा परिणाम निकलवाने में सहायता करें, ऐसी छात्रों की मांग है। नाम है आपका? सर मेरा नाम कपिल शर्मा है और मैं स्टेनो 2018-19-70 का छात्र हूँ। और मैंने जो पूरक परीक्षा दी थी और हम सबकी पूरक परीक्षाएं 26 नवंबर को होना तय हुई थी, जिसका परीक्षा परिणाम जो है आज 10 माह तक नहीं आया है। और सर पिछले 5 सालों से मध्य प्रदेश में कोई भी भर्ती प्रक्रिया नहीं की गई है, और जब अभी भर्ती प्रक्रिया का समय है तो हमारा जो परीक्षा परिणाम है वो रोका गया है। यदि जो परीक्षा परिणाम हमें अभी नहीं प्राप्त होता है तो हम आगामी सारी परीक्षाओं से वंचित हो सकते हैं। और सर ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, किस परिस्थितियों में हमने स्टेनो का एग्ज़ाम दिए थे सर। और ये तो प्रशासन की सरासर लापरवाही है कि बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे और उनकी कॉपियां खो जाती हैं, तो इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने पूरी फीस दी थी, हमने पूरा पेपर दिया था, एग्ज़ाम दिया था। और यदि प्रशासन की साइड से कोई गलती होती है तो उसमें बच्चों का क्या दोष है? तो आपकी क्या कॉपियां खो गई? कॉपियां खो चुकी हैं सर। हम जब आईटीआई बार बार गए अपने डायरेक्टर सर के पास, तो उनका एक ही बात कहना हुआ कि आपकी, पहले तो उन्होंने हमें सूचना नहीं दी और बाद में उन्होंने ये बताया कि आपकी कॉपियाँ जो हैं वो खो चुकी हैं। इसके बाद ये हुआ कि आईटीआई ने हमें पुनः होने वाली परीक्षाएं जो आज से चालू हो रही हैं उसकी भी कोई भी सूचना हमें नहीं दी कि हम दोबारा फॉर्म भर के उसका भी पेपर दे लेते तो उसका आगामी 5 महीने में रिजल्ट आ जाता। सर अब हम यहाँ के भी नहीं रहे और वहाँ के भी नहीं रहे, तो सर अब 1 साल तक पूरी बात चली जाएगी। तो सर मेरा सबसे आपसे यही निवेदन है कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए आप हमारी मदद कीजिए, हमारा रिजल्ट शीघ्र अतिशीघ्र पारित कराइए, जिससे हम आगामी सारी परीक्षाएँ दे सकें।